यूएफसी 280 में मेगा फाइट होने वाली है, सुपर फाइट होने वाली है चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव के बीच में। तो चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव इस टाइम पर अपने फाइट कैंप के अंदर तैयारी कर रहे होंगे। मुझे दोनों फाइट कैंप की इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली है। पिछले 4-5 दिनों से मैं डीपली ट्रैक कर रहा था कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम मखाचेव की तैयारी किन किन चीजों पर चल रही है, कहां पर चल रही है और क्या वो अबूधाबी पहुंच चुके हैं या नहीं। तो पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को अगर हिंदी में कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। चलिए बात करते हैं फाइट कैंप की। इस्लाम मखाचेव एके में ट्रेन करते हैं। अब काफी लोगों का यह कहना है कि एके में ट्रेन नहीं करते, वो तो अपने वहां पर खबीब के जिम में करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी फाइटर जो होता है वो 3 जगह पर ट्रेन करता है। अगर मान लीजिए कोई फाइटर यूएस का नहीं है तो सबसे पहले तो वो ऑफ सीजन अपने वहां पर जो है ट्रेनिंग करेगा। जैसे इस्लाम मखाचेव पूरे साल जब फाइट नहीं होती तो अपने दागिस्तान में जो है अपनी ट्रेनिंग करता है, लेकिन जैसे ही कोई फाइट आती है तो 2 महीने वो दागिस्तान से सीधा कहां पर आ जाता है, सैन होजे कैलिफोर्निया में, एके में। एके की 2 जगह पर है ब्रांच, एक तो है आपकी थाईलैंड में फुकेट में और दूसरा है सैन होजे कैलिफोर्निया में जो कि यूएसए में है। तो यहां पर 2 महीने के लिए वो आ जाता है यूएसए में और फिर जब जहां पर फाइट हो उस जगह पर तीसरी जगह वो ट्रेन करता है, कोई अपार्टमेंट वगैरह लेके या कोई जगह लेकर, और वहां पर लास्ट में जैसे कि कहीं फाइट हो रही है तो उससे 10-15 दिन पहले वहां पर पहुंचकर उसकी एनवायरमेंट के और सी लेवल के जो है यूज्ड टू हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस ट्रेनिंग कैंप में एके में अब की बार 3 महीने ट्रेन किया है इस्लाम मखाचेव ने, यानी कि आज से पहले वो 2 महीने जो है पूरा घर से दूर आकर पूरी ट्रेनिंग करते थे, लेकिन अभी इस सुपर फाइट के लिए 1 महीना और लगाया है उन्होंने, यानी 3 महीने से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब इस 3 महीने में ट्रेनिंग कहां कहां पर की, देखिए जो यूएस वाला सैन होजे के अंदर कैलिफोर्निया में जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर सारी फैसिलिटीज है। वहां पर उन्होंने अपनी रेसलिंग के ऊपर काम किया पूरा, हबीब हुए उसके अलावा जितने भी एके के मेंबर हुए उन सब के साथ मिलकर उसने काम किया वहां पर 2 महीना, लेकिन 1 महीना उन्होंने बिताया है म्यूटाई की जो है प्रैक्टिस के लिए, और वो कहां पर, एके के फुकेट वाले ट्रेनिंग सेंटर में, क्योंकि थाईलैंड के अंदर जो है म्यूटाई जो है वो बहुत अच्छे अच्छे किक बॉक्सर आपको मिल जाते हैं। तो 1 महीना स्ट्राइकिंग को मैनेज करने के लिए उन्होंने वहां पर लगाया। तो 3 महीने से वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो अब लगभग 1 महीना पहले 20 से 25 दिन पहले फाइट के पहुंच चुके हैं कहां पर, अबू धाबी में, क्योंकि अबू धाबी का जो टेम्परेचर है, अबू धाबी का जो एनवायरमेंट है वो यूएसए और दागिस्तान से क्या है, काफी अलग है। तो यहां पर जैसे ही वो अबू धाबी में आते हैं तो यहां की जो रॉयल फैमिली है उनका वर्ल्ड क्लास जिम है, वहां पर वो अभी एके के साथ ट्रेन कर रहे हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि पूरा ऑफ सीजन अपने दागिस्तान के वहां पर उन्होंने ट्रेनिंग की, रेसलिंग की, दागिस्तानी सांबो की, दागिस्तानी रेसलिंग और सांबो की, और 1 महीना उन्होंने ट्रेनिंग की फुकेट में एके के वहां पर, और तीसरी जगह वो अभी ट्रेन कर रहे हैं अबू धाबी में। तो इस तरीके से लगभग 3 जगह ट्रेनिंग चलती है इस्लाम मखाचेव या एके के फाइटर्स की। अगर मान लो अगर यूएस में कहीं पर फाइट होती तो वो यूएस के अंदर सैन होजे के अंदर ही ट्रेनिंग कर रहे होते, क्योंकि वहां से ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, पहुंचा जा सकता है, लेकिन मामला है अबू धाबी का। अब अबू धाबी में ही ये मैच क्यों हुआ, देखिए मैं आपको बताता हूं, यूएफसी का जो मेन फोकस रहता है वो रहता है पेपर व्यू सेल होने चाहिए, और जो फॉलोविंग है अबू धाबी के अंदर इस्लाम मखाचेव और हबीब की वो जबरदस्त है, वहां पर टिकट एकदम से सेल आउट हो जाती है मिनटों के अंदर। तो पेपर व्यूज के लिए ही जो है वहां पर फाइट करवाई जा रही है और फाइट कैपिटल बन गया है आजकल तो अबू धाबी। तो इस फाइट कैंप के अंदर इस्लाम मखाचेव ने म्यूटाई के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन गेन की है और अपनी स्ट्राइकिंग को भी तेज किया है। तो ऐसे में अभी फुल तैयारी जो है हो चुकी है इस्लाम मखाचेव की, और इस्लाम मखाचेव सांबो अपनी ट्रेनिंग के अंदर तो बेस्ट है ही, लेकिन अब उनके पास 3 महीने की ये जो मेहनत है उसका बैकअप है। तो 3 महीने से
लगातार इस्लाम मखाचेव अपनी तैयारी कर रहा है और अभी अबू धाबी में वो पहुंच चुका है और वहां पर भी उसकी तैयारी तगड़े तरीके से चल रही है। और हावियर मेंडिस ने कल एक वहां की लोकल लैंग्वेज के अंदर एक इंटरव्यू दिया था, लेकिन अगर हम उसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो ये बात निकल कर आती है कि हावियर मेंडिस का कहना यह है कि इस टाइम के अंदर नंबर वन पाउंड फॉर पाउंड अगर कोई लाइट वेट फाइटर देखा जाए तो इस्लाम मखाचेव है, अपने टाइम पर जैसे हबीब थे उससे भी कहीं बेटर है, लेकिन इसका पता तो हमें फाइट के अंदर लगेगा। तो आप मुझे बताइए, क्या इस्लाम के लिए 3 महीने का ये फाइट कैंप, 1 महीना जो उसने एक्स्ट्रा दिया है, वर्थ इट है या नहीं? मुझे तो लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा के लिए जितनी ज्यादा तैयारी की जाए उतनी कम है, लेकिन इस तैयारी के साथ इस्लाम मखाचेव के जीतने के चांसेस भी बहुत हैं। तो आप मुझे बताइए कि इस्लाम मखाचेव के जीतने के चांस कितने हैं और आप लोगों को क्या लगता है कि जब 22 तारीख को इनकी फाइट होगी इस्लाम मखाचेव पूरी तरीके से तैयार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको चार्ल्स ओलिवेरा के फाइट कैंप के ऊपर दूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।